इस वक्त मैं नगर पंचायत रोहतास के बस स्टैंड में हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर गौतम मुरारी साहब जो हमारे पंचायती राज के मंत्री हैं, उनका यहाँ पे शुभ आगमन हुआ है। और यहाँ पे एक बीजेपी की ओर से एक कार्यक्रम चल रहा है, सदस्यता कार्यक्रम या अभियान ये छिड़ा हुआ है, जो कि कल भी एक कार्यक्रम दिखा गया था, नौहट्टा प्रखंड में हुआ था, फिर रोहतास प्रखंड में भी एक कार्यक्रम को किया गया था। आज वही तस्वीर देखने को यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे गौतम मुरारी साहब आज सारे सदस्य से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इनका ये कारवा चाटान से चला हुआ है, और यहाँ के बाद नौहट्टा प्रखंड में भी इनका कारवा जाने वाला है। यहाँ पे मौजूद है जी सर, न्याजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पर। जी सर, इस तरह से आप एक हमारे प्रधानमंत्री की जो खूबसूरत योजना है सदस्यता योजना अभियान के लिए, और आप उस मिशन को लेकर चले हुए हैं, क्या कहिएगा अपने कार्यकर्ताओं को जो आपके साथ? निश्चित तौर पे ये जो सदस्यता अभियान एक संगठन पर्व के रूप में, हम लोग एक महापर्व के रूप में इसे ले रहे हैं जी। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने को जेपी नड्डा जी ने सदस्यता दिलाकर इस सदस्यता अभियान का शुरुआत किया था, और आज हम लोग रोहतास प्रखंड में यहाँ के हमारे नगर अध्यक्ष दीपक जी के नेतृत्व में यहाँ पे सदस्यता अभियान का शुभारम्भ शुरू से भी हो चुका है, लेकिन आज विधिवत उसका शुभारम्भ किए हैं। और हम लोग गाँव जाकर के दरवाजे डोर टू डोर जा करके सबको अपने भाजपा का सदस्यता दिलाएंगे और भाजपा की नीति और सिद्धांतों को बताने का कार्य करेंगे जी। क्या इस बार क्या कुछ नीति कुछ नया लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? आप तो काफ़ी इस इलाके से जुड़े हुए हैं और काफ़ी आपके चाहने वाले हैं, आपको जानने वाले हैं, तो उनके लिए क्या अपने टीम की तरफ से एक सौगात देने जा रहे हैं, कुछ ऐसा मैसेज? ये सौगात तो आप देख रहे होंगे कि रोहतासगढ़ किला पे जाने का जो रास्ता था, अकबरपुर व धौरा पथ निर्माण हो रही है, झूला का निर्माण हो रहा है, ऐसे है और कई चीज़ें जो कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो चीज़ें हम लोगों ने उन भाजपा नेतृत्व ने जो उनको बताया है, यहाँ की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं जैसे पर्यटन के रूप में विकसित करने का, इस तरह की चीज़ों को जानकारी आगे हम लोगों ने दिया है, उन सारे चीज़ों पर कार्य हो रहा है। बहुत ही जल्द इस क्षेत्र की जनता को एक पर्यटन के रूप में जो विकसित हो जिस तरीके से होना चाहिए था जो नहीं हुआ है, बहुत ही जल्द ये पर्यटन के क्षेत्र में विकसित होगा और लोगों को रोजगार भी यहाँ प्राप्त होगी। चलिए, ये हमारे पंचायती राज मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक भी हैं और यहाँ के आवाम के साथ काफ़ी इनसे पुराना लगाव है, शुरू से ये संघर्ष करते आ रहे हैं। एक टीचर के करियर से अपने को राजनीति की दुनिया में उतारा और फिर उसके बाद मालिक ने वो इज्जत दिया कि पंचायती राज के मंत्री बने हैं और फिर बीजेपी के कमान को इन्होंने संभाला है और सारे टीम को यहाँ पर लेकर पहुँचे हुए हैं। दीपू जी, आप तो हमारे प्रधानमंत्री साहब से मुलाकात किए हैं, बात किए हैं, इस बात के लिए मुबारकबाद कि नगर पंचायत रोहतास में वो दीपू बच्चा है जिसको प्रधानमंत्री जी ने बुला के इस तरह से कहा था, हाथ मिलाया था, क्या कहिएगा जो आज प्रधानमंत्री जी की योजना है और ये चिराग को जलाकर आप लोग चले हुए हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद, प्रधानमंत्री से मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात बिल्कुल। न्याजी न्यूज़ ये कह रहा है कि वाकई बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बंदा ऐसे था, ये तस्वीर को देखिए, इस वीडियो क्लिप को देखिए। मिलकर बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी से मिलकर, और ये पहली बार हुआ जो मंडल अध्यक्ष है, जितने मंडल अध्यक्ष थे हम लोग मोदी जी से मिले। और क्या रोहतास के विकास के बारे में दीपू जी क्या बात है? रोहतास की जो समस्याएं थी हम लोग रखे हैं उनके सामने और आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द हम लोग जो है विकास होगा। चलिए, ये दीपू जी हैं जिन्होंने मुलाकात हमारे प्रधानमंत्री जी से किया है, जो कि छात्रा में लोकसभा का इलेक्शन का वो ज़माना था जो गुजर चुका है, उस तरह में इनकी मुलाकात हुई। बीजेपी का जो अभी यह अभियान चल रहा है सदस्यता जोड़ो अभियान, जो कि घर घर डोर टू डोर जाकर इस अभियान को पूरा करने के लिए निकले हुए हैं, नगर पंचायत रोहतास और न्याजी न्यूज़ मुबारकबाद दे रहा है। चलिए, आप इसी तरह से अपने लोगों में प्रेम भाव मोहब्बत का चिराग जलाते रहिए और लोगों से मिलते रहिए, उनसे प्यार की बोली बोलते रहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू, धन्यवाद।